योगी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान लगे नारे, उनकी मांग है कि WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह जल्द हो गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम से ज्यादा तेज दौड़ लगा रहा है गुड्डू मुस्लिम, पनाह देने वाले फार्म हाउस मालिकों की हो रही है तलाश। अलीगढ़ में अखिलेश के रोड शो में बुलडोजर समर्थक बोले सत्ता बदलेगी तो बुलडोजर का रुख भी बदलेगा। लखनऊ में युवक ने पहले की बेटी की हत्या, बेटी को भी जान से मारने की कोशिश, फिर कर ली खुदकुशी, जुआ खेले और शराब पीने का था आदि। बसपा नेता इमरान मसूद ने आजम खान का नाम लेकर साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा उनकी बर्बादी में जितना सरकार का हाथ है उससे कई ज्यादा अखिलेश यादव का है। अपराधियों पर सीएम योगी का बड़ा जुबानी हमला, कहा माफियाओं की गर्मी निकालकर मौसम ठंडा कर दिया, आज हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। यूपी के बाराबंकी में अखिलेश पर सीएम योगी का हमला, बोले पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे कूड़े का चुनाव बताया, ये चुनाव सपा बसपा के कचरे को साफ करेगा। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर साधा निशाना, कहा पहले चौकीदारी करते थे अब सीएम ब्रजेश पाठक माफिया है। आंसुओं के सैलाब के बीच एक साथ उठे जनाजे, मुरादाबाद के गांव में हर तरफ मातम और चीखे, हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की हुई मौत। अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, फैसले पर रोक लगाने की मांग। मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। अतीक का बेटा अभी जिंदा, पूरा हिसाब लिया जाएगा, 10 साजिद मुगल नाम से ट्वीट करके दी गई धमकी, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला की मौत, पति और बच्चे घायल, कार चालक मौके से हुआ फरार। लखनऊ में बेटी की हत्या कर पिता ने किया सुसाइड, मरा समझकर बेटी को छोड़ा, सुसाइड नोट में लिखा पत्नी की मौत से परेशान हो। PFI पर उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी, अब तक 20 जिलों में छापे, 2 लोग गिरफ्तार, 9 हुए हिरासत में। प्रयागराज में साइस्ता को पुलिस ने FIR में लिखा माफिया अपराधी, अति के बेटे अली को रिमांड पर लेगी पुलिस। 5 साल में 1000 लोगों से हुई करोड़ों की ठगी, नोएडा में यूट्यूब फेसबुक पर व्यापार को बढ़ाने का देते थे झांसा, 3 जालसाज हुए गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस को चेकिंग के दौरान कार से मिला 10 लाख का कैश, जांच के दौरान मिले हवाला के सबूत, पुलिस ने ईडी को दी जानकारी। यूपी में 24 घंटे में 64 नए मरीज मिले, 40 जिलों में कोरोना के 10 से कम केस, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा केस। वाराणसी में काम बंद कर वकीलों का प्रदर्शन, कोर्ट को शहर से दूर करने के विरोध में जिला प्रशासन के खिलाफ उतरा बार एसोसिएशन।